नुक्कड़तली खबर के और रायपुर नगर निगम ने पंडरी और तेली बांधा एक्सप्रेस वे ब्रिज के नीचे कब्जा रोकने और जगह के बेहतर इस्तेमाल के लिए नया प्लान तैयार किया है। पीपीपी मॉडल के इस प्ले जोन में बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस बॉल कोर्ट और क्रिकेट पिच तैयार की जा रही है, साथ ही पार्किंग और बैठने के लिए भी निर्माण किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा का कहना है कि करीब 35 से 40 लाख से शहर के दो जगहों पर ब्रिज के नीचे प्ले जोन बनाए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यह था कि एक्सप्रेस वे की जगह खाली जगह है, खाली जगह में जो है अतिक्रमण होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लोग बाग जो है बैठे रहते हैं, कचरा करते हैं, तो कम से कम इस साथ उस जगह सुरक्षित रहे और आसपास के लोगों को जो है, क्योंकि रायपुर शहर में खेल का मैदान कम है, तो आसपास के जो नागरिक हैं उनको जो है खेल सुविधाएँ मिल सके, इस उद्देश्य से वो कर रहे हैं हम। इंडस्ट्री हमने अभी दो प्रस्ताव बनाए हैं, एक 17 लाख का, एक 19 लाख के, दो प्रस्ताव गए हैं, ठीक है ना, और हम अभी अनटाइट फंड से उस काम को चालू कर रहे हैं। सर, ये मेंटेनेंस कैसे करेंगे इसका, किस तरह से कितने समय तक खुला रहेगा, क्या कुछ सुविधा? ये बनने के बाद जो है हम लोग ये प्लान किए हैं कि आसपास के जो क्षेत्र, जो मतलब नागरिकों से चर्चा करके, जनप्रतिनिधि से चर्चा करके जो है एक वो फिक्स करेंगे, सुबह और शाम के लिए इसको ओपन करेंगे। राजधानी रायपुर में अवैध कब्जे से प्रशासन लगातार परेशान नजर आती है और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए लगातार नगर निगम अलग अलग प्लान लाते हुए यहाँ पर देखी जाती है। अगर हम बात करें तो इस बार के प्लान की, तो ओवरब्रिज के नीचे प्ले जोन बनाए जाए की तैयारी नगर निगम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हम अभी स्थित हैं तेली बांधा जो ओवरब्रिज है एक्सप्रेसवे, उसके नीचे, जहाँ पर आपको ये स्थान दिखाना चाहूँगा जहाँ पर नगर निगम जो है वो प्ले जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। पीपीपी मॉडल पर यह प्ले जोन बनाया जाएगा जिसमें ओवर जिस पर बास्केटबॉल, टेनिस बॉल और क्रिकेट पिच जो है वो तैयार किया जाएगा, साथ ही पार्किंग को लेकर और लोगों के बैठने के लिए भी स्थान जो है वो यहां पर बनाई जाएगी। बता दें कि रायपुर नगर निगम के द्वारा पंडरी और तेली बांधा ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जे को रोकने और जगह का बेहतर उपयोग करने के लिए यह नया प्लान जो है अब वो लाया गया है। बता दें कि इस प्लान की लागत लगभग 35 से 40 लाख है जिसमें 17 लाख और 19 लाख की लागत से दो ओवरब्रिज के नीचे में यह प्ले जोन तैयार किया जाएगा जिसमें स्थानीय लोग, बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहां पर खेल सकेंगे और अपना जो समय है, मनोरंजन का समय है, वो यहां पर व्यतीत कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जाने तो वो है इस स्थानों को अवैध कब्जे से बचाना, साथ ही नशाखोरों जो अपना अड्डा ऐसे स्थानों को बना लेते हैं रात के अंधेरों में, उन स्थानों को भी इस तरीके की समस्याओं से बचाने के लिए लगातार प्रशासन यहां पर पहल करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल यह पहल कितना सफल हो पाएगा नगर निगम का, यह आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।